फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे साइज करेक्ट बट टू टाइट, तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ हम जानेंगे। तो गाइज, अब जब भी आप ऑर्डर को एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपको ये देखने के लिए मिलता है, रिटर्न भी कर रहे हो तो ये देखने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको ऑर्डर और रिटर्न एक्सचेंज करना है, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है, अगर आपका सेम नहीं हुआ तो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ ऐसी ही वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, आपके लिए वो वीडियो ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना। तो गाइज यहाँ देखिए, एक हम पहले रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो आपका वो जो रीज़न होता है फ्रेंड्स क्या होगा, चूज डिटेल रीज़न के अंदर देखिए, हैव साइज फिक्स फिट रिलेटेड इशू, तो साइज करेक्ट बट टू टाइट, मतलब साइज फ्रेंड जो आपने सेलेक्ट किया है वो ओके है, आपको मैच हो रही है जो साइज आ रही है, पर वो टाइट है गाइज, बट टू टाइट, बहुत टाइट है। बट टू टाइट मतलब बहुत टाइट है, टाइट हो गया। तो अगर आपका सही में ऐसा है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपका ऐसा नहीं है, आपको टाइट पाइट नहीं हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। तो गाइज आप कर भी सकते हो, उनको मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है आपको फ्रेंड्स, अगर आपको हो रहा है सही में तो कर लीजिए, आपका जो ऑर्डर है रिटर्न और एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका आप मतलब समझ गए फ्रेंड्स, साइज तो राइट है, करेक्ट है, साइज करेक्ट है आपका, पर बहुत टाइट हो गया आपको ड्रेस, या आपका शर्ट विट है या कुछ भी है, आपका टाइट हो गया है, तो इस वजह से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो अगर ऐसे ही है तो सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड कर लीजिए, आपका रिटर्न और या एक्सचेंज इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न हो जाएगा, एक्सचेंज करना चाहते हो तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो गाइज मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।